हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। लास्ट की वीडियो मैंने शेयर की थी कि अपने बच्चों को पीरियड्स को लेकर कैसे एजुकेट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन राइज होता है कि अगर आप पैड्स यूज़ कर रहे हैं तो उनको डिस्पोज कैसे करना है, क्योंकि अगर आप सही तरीके से डिस्पोज नहीं करते हैं, आप टॉयलेट में फ्लश कर देते हैं या कहीं भी उनको ऐसे रख देते हैं, मतलब प्रॉपर तरीके से आप नहीं डिस्पोज करते हैं तो एनवायरमेंट पोल्यूटेड होता है। क्योंकि आज के टाइम में भी बहुत सारी फीमेल्स नॉन बायोडिग्रेडेबल पैड्स यूज़ करती हैं, और बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया था। फिर से बता देती हूँ, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं मोस्टली यूज़ किए जाते हैं, केमिकल्स उसमें यूज़ होते हैं, साथ ही साथ ही आपके एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड करते हैं। इनको डिग्रेड होने में 400 से 500 साल लग जाती है, और जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो 2 से 3 महीने में डिग्रेड हो जाते हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं। ठीक है, तो अब हम यह बात करेंगे कि पैड्स को आपको सही तरीके से डिस्पोज कैसे करना है। ठीक है, तो अगर आप नॉन बायोडिग्रेडेबल पैड्स यूज़ कर रहे हैं जो कि कॉमनली यूज़ किया जाता है, तो उसमें आपको क्या करना है, उसको आपको टॉयलेट में फ्लश नहीं करना है। ऐसी गलतियाँ बहुत करते हैं, अपने टॉयलेट में नहीं करते हैं तो कई बार क्या होता है, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो वहाँ के में कर देते हैं, क्योंकि आपको ये लगता है कि अगर अगर पाइपलाइन रुकेगी या कुछ भी दिक्कत होगी तो यहाँ होगी, हमारे घर में नहीं होगी, है ना। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, अलर्ट रहिए, सभी एरियाज़ का ध्यान रखिए। ऐसे नहीं है कि हमारा घर नहीं है, दूसरे के ऑफिस है या दूसरे घर है तो मैं कर सकती हूँ। इन सब चीज़ों को दिमाग से थोड़ा सा निकालिए और सही तरीके से कीजिए आप उनको डिस्पोज। तो क्या करना है, तो न्यूज़पेपर में रैप करना है आपको अपना सैनिटरी पैड, और आप उसको जो डस्टबिन होता है उसमें डालें, और हो सकता है तो जो रिसाइकल बिन होते हैं ना उनमें डालते हैं तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो अपने आप नॉन बायोडिग्रेडेबल पैड्स को इस तरह से डिस्पोज कीजिए। एंड सेकंड आपके आ जाते हैं बायोडिग्रेडेबल, उनको कैसे करना है, उनको आप सिंपली मिट्टी के अंदर दबा सकती हैं, वो 2 से 3 महीने में डिग्रेड हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने सैनिटरी पैड्स को डिस्पोज कर सकते हैं, ये सही तरीका है, और इसी को अपनाइए। अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड होने से बचाइए, और ये मत सोचे सिर्फ हमारे करने से क्या होता है, आप करेंगे, आप दूसरों के साथ शेयर करेंगे, हम तो ऐसे करते हैं तो दूसरे भी कहीं ना कहीं आपसे सीखते हैं, इंस्पायर होते हैं कि जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। ठीक है, ये मत सोच के रह जाइए कि हम ही क्यों करें। ठीक है, स्टेप तो आपने लेना ही है। तो यही था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। फिर से कहूँगी, अगर पसंद आता है वीडियो, आपको लगता है कि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल से कुछ सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिए और लोगों तक पहुँचाने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।